हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीनियर साइंस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे राइस गंदी बग की लाइफ साइकिल को, जिसका जूलॉजिकल नेम है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस। और जो राइस है, राइस का अगर बोटनिकल नेम हम देखें तो उसका है ओरियाजा स्टाइव। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सो सबसे पहले आते हैं हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन के ऊपर। सिस्टेमेटिक पोजीशन कुछ इस तरीके से है। इसकी किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड सब फाइलम मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा में इसका जो माउथ पार्ट है मैंडिबल, उसके अकॉर्डिंग रखा गया बिकॉज इट्स माउथ पार्ट्स आर पर्सिंग एंड सकिंग टाइप। सुपर क्लास में आ जाएगा हेक्सापोडा। क्लास इंसेक्टा है। ऑर्डर हेमिपेट्रा, फैमिली कोरिडेई। जीनस एंड स्पीसीज को आप जानते ही हैं कि लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस है। सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिलता है, क्योंकि जो धान की खेती है हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही की जाती है। लगभग 75% जो धान की खेती है इंडिया के अंदर होती है। सो आगे इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं इसकी जो होस्ट प्लांट है कि कौन कौन से, राइस के अलावा, राइस के ऊपर तो ये पाया जाता है, राइस के अलावा और कौन कौन से इसके होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये पाया जा सकता है। मोस्टली होस्ट प्लांट राइस को छोड़ के मिलेट है, ज्वार है, मेज़, बाजरा, शुगर केन। देखो जो राइस है, राइस तो इसका नॉर्मली होस्ट प्लांट है ही है। इसके अलावा अगर राइस के आसपास कोई दूसरी फसल मिलती है तो ये दूसरी फसल के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अदर क्रॉप्स भी इसका होस्ट प्लांट हो सकती है। जनरल अपीयरेंस, अगर अडल्ट की इसकी फॉर्म देखें हम तो लेंथ इसकी 20 mm होगी। लाइट ब्राउन इसका कलर होगा। लॉन्ग लेग्स के इसकी लेग्स है जो लॉन्ग हो जाती है स्टेज के ऊपर। एंड जो इसके एंटीना है वो जॉइंटेड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। निम्फ जो होगा इसका वो स्मॉलर होगा। हैबिट्स, तो इसका जो मैंने शुरू में नाम बताया था आपको कि गंदी बग, वो किस बेस के ऊपर पड़ा है, तो इसके जो थोरेसिक ग्लैंड है उसके अंदर से एक स्मेलिंग जूस सिक्रेट होता रहता है। स्मेलिंग अनप्लीजेंट जो जूस है वो सिक्रेट होता रहता है, जिसकी स्मेल बिल्कुल गंदी होती है, उसके कारण ही इसको गंदी बग बोला गया। सो रिप्रोडक्शन इसकी होगी जुलाई से नवंबर तक, जुलाई टू नवंबर इसकी रिप्रोडक्शन। दिसंबर से फरवरी तक ये हाइबरनेट कर लेगा अपने आप को, क्योंकि ठंड के दौरान ये बाहर नहीं आएगा। और इसकी एक्टिव जो एक्टिविटी को हम नोट करेंगे तो एक्टिविटी के अंदर आएगा कि ये मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स के अंदर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इन आवर्स के अंदर ये ज़्यादा निकलता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये वेरी लो एक्टिव होता है और मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम के अंदर ये ज़्यादा एक्टिव होगा। लाइफ साइकिल के अंदर जो लाइफ साइकिल है इसकी 4 to 5 weeks के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और इस पूरी लाइफ साइकिल के अंदर ये 5 brood देता है एक सीजन के अंदर। मतलब एक सीजन के अंदर इसकी जितनी लाइफ साइकिल चलेंगी उनके अंदर इसके 5 broods आएंगे। ब्रूड का मीन है यहाँ पे अडल्ट फॉर्म आएंगी लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस की।